अपने हाथों को उठा, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तैयार हूं अपने आप को बदलता हुआ देखने के लिए, अगले लेवल पे जाने के लिए, उस ग्रेस को हासिल करने के लिए मैं तैयार हूं। आज आपका वचन मुझे छुड़ाए, चंगा करे और आजाद करे, क्योंकि मैं अपना पूरा मन आपके वचनों की ओर लगा के अपने आप को समर्पित करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि मेरा बेस्ट अभी नेक्स्ट आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची, मैंने कहा आमीन ऊंचा, तो शैतान ट्रबल में। आज बोलने वाला हर आमीन बोलने वाला व्यक्ति अपने जनरेशनल कर्सों से आजाद हो। मैंने कहा आज हर आमीन बोलने वाला व्यक्ति अपने वंशों के श्रापों से आजाद हो जाए। आमीन सुनने वाला और बोलने वाला इस आवाज के जो इन्फ्लुएंस के नीचे, वो कभी भी बांझ ना रहे यीशु मसीह के नाम में, वो कभी गरीबी के श्राप के नीचे ना रहे यीशु मसीह के नाम में। इस आमीन को बोलने और सुनने वाला आज उस सब श्रापों से जो शरीर के ऊपर है बीमारियों के रूप में, वो आजाद हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन ऊंचा आशीष ऊंची चर्च, हालेलुया। एक बार जोर से यीशु मसीह को तारीफ दो, जोर से जोर से। बैठ जाओ अपने शरीर में। ऐसी नौ चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में रिकवरी को लेके आती। आमीन। पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि एक पर्सनल प्रूफ आपकी लाइफ में होना जरूरी है अगर आप अपनी लाइफ में रिकवरी को चाहते हो। तो लोग पूछते हैं क्यों पर्सनल प्रूफ चाहिए, क्या हमारी सॉल्वेशन काफी नहीं है, हमें पर्सनल प्रूफ क्यों चाहिए रिकवरी के लिए, उन चीजों को वापस लेने के लिए जो शैतान ने छीनी। मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूं, मरकुस 5 उसकी 35 से लेके 40 आयत। उसमें लिखा, वो कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर में घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, अब गुरु को दुख मत दे। क्योंकि बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह उस बीमार बेटी को चंगा करने के लिए उसके घर में आ रहे थे, और लिखा रास्ते में मैसेज आ गया, तेरी बेटी डेड हो गई, अब परमेश्वर को यीशु मसीह को जाने दे, उनको दुख ना दे, उनको फालतू में झंझट ना दे। लिखा वो कह रहे थे, तब यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पत्रस, याकूब, याकूब के भाई यहूना को छोड़ किसी को अपने साथ अंदर आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंच के उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज जो मैं सुनूं फल लेके आऊं, अंधकार की शक्तियां इसे चुरा ना सके। मांगो अपने हाथों को उठा के। आमीन। तब उसने भीतर जाकर, यानी यीशु मसीह ने अंदर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और उनके साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी वो गया। हमें क्यों प्रूफ चाहिए पर्सनल? क्योंकि जिस जनरेशन में आप रहते हो वो जनरेशन एक फेक जनरेशन है। लोग मुंह पे कुछ हैं और पीछे कुछ हैं। जिस जनरेशन में, जिस दुनिया में आप रहते हो, ये एक फेक जनरेशन है। आज इज्जत बंदे की नहीं उसके पैसों की होती, क्योंकि ये एक फेक जनरेशन है। आप इमेजिन करो, एक घर में यीशु मसीह जा रहे हैं और सब लोग रो रहे हैं, ओए मर गई, और जैसे यीशु मसीह ने कहा ओए मरी नहीं हो। अगर किसी का कोई मरा हो जो दिल पे लगा हो, अगर कोई बोल देना ओए काका मरी नहीं, तो बंदा कहेगा ओ सच्ची नहीं मरी, वो ऐसे बोलेगा, तुसी कितने चंगे हो, हाँ वो ऐसे बोलेगा। पर बाइबल कहती वो जैसे यीशु मसीह ने कहा अरे मरी नहीं हो, वो सो रही है, सब हंसी करने लगे, हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। इसका मतलब वो सही तरह से रो नहीं रहे थे, वो फेक थे, वो फेक रो रहे थे। वो फेक प्रॉफिट होते हैं ना, फेक पास्टर्स होते हैं, फेक विश्वासी भी होते हैं, नकली प्रॉफिट भी होते हैं, नकली पास्टर भी होते हैं, नकली विश्वासी भी होते हैं।
तो वो नकली रो रहे थे। अगर वो असली रो रहे होते, अगर वो सच्ची दुख में होते, तो यीशु मसीह की बात को सुनकर एकदम से कैसे हंस पड़ते वो? लिखा वो हंसी करने लगे, मजाक एक दूसरे के साथ हाईफाई मार के मजाक करने लगे, ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो रो नहीं रहे थे, वो फेक थे। और याद रखो, इस फेक जनरेशन में जिसपे आप रहते हो, आपको पर्सनल प्रूफ की जरूरत है कि परमेश्वर अपना हाथ आप पे प्रकट करे और लोगों के मुंह बंद हो जाए। अब आप समझ रहे हो क्यों आपको पर्सनल प्रूफ चाहिए, क्योंकि जिस जनरेशन में आप रहते हो ये एक फेक जनरेशन है, ये एक नकली जनरेशन है, ये एक नकली लोग हैं, ये मुंह पे और दिल में और मुंह पे कुछ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपका भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए, आपकी आंखें यीशु मसीह के ऊपर होनी चाहिए, ताकि वो आपको पर्सनल टेस्टिमनीज दे। याद रखो एक बात को, जब यीशु मसीह पतरस की सास के घर गए और लिखा उसकी सास को बुखार था, और जैसे यीशु मसीह ने उसके सास का हाथ छुआ वो चंगी हो गई। अब ऐसे व्यक्तियों को चंगा करना, ऐसे व्यक्तियों को वरदान देके भेजना जिनके घर में खुद टेस्टिमनी हो, उनके लिए ज्यादा आसान है काम करना, क्योंकि उसने अपनी सास को चंगा होते अपनी आंखों के सामने देखा है, ये उसका पर्सनल साइन था, निजी प्रूफ था उसका। जब दाऊद ने गोलियत को मारा तो वो पहले दिन नहीं मारा, बाइबल कहती उसने पहले शेरों को मारा था, उसने भालुओं को मारा था, ये उसका पर्सनल प्रूफ था, पर्सनल साइन था परमेश्वर से कि मैं तेरे साथ हूं। हो सकता है आप कुछ दिन के लिए किसी मुसीबत में फंस जाएं, सही होने के बावजूद भी वो इसलिए नहीं कि परमेश्वर आपको फंसाना चाहता है, वो इसलिए कि परमेश्वर उस मुसीबत से आपको निकालेगा, आपको पर्सनल साइन देगा कि मैं आपके साथ हूं, ताकि वो आपको हाई लेवल के लिए तैयार कर सके। अगर वो आपसे शेर नहीं मरवाएगा, भालू नहीं मरवाएगा, जब गोलियत आपके सामने होगा आपके अंदर हियाव नहीं होगा, हौसला नहीं होगा कि आप उसको मार सके। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा क्यों पर्सनल प्रूफ आपको चाहिए, पिछले हफ्ते मैंने पॉइंट बताया, पर्सनल प्रूफ और इनकाउंटर परमेश्वर के साथ आपको चाहिए, आमना सामना। क्यों चाहिए पर्सनल प्रूफ? आप जानते हैं आपको क्यों चाहिए, क्योंकि ये जनरेशन कौन सी है? फेक जनरेशन है, जहां लोगों को स्वर्ग से मतलब नहीं पर प्रोफेसी से मतलब है, जहां लोगों को किसी चीज से मतलब नहीं पर आशीष से मतलब है। हम एक फेक जनरेशन में रहते हैं, और इस फेक जनरेशन को प्रूफ करने के लिए कि यीशु मसीह जीवित है और लिविंग है और जिंदा खुदा है, सब कुछ कर सकता है, आपको पर्सनल प्रूफ टेस्टिमनीज की जरूरत पड़ेगी आप, और खुदावंद आपको देगा। इस आवाज के इन्फ्लुएंस के नीचे आज जो बंदा सुन रहे ऑनलाइन या खामरा चर्च, खुदावंद आपको पर्सनल प्रूफ देगा, आपके परिवार को पर्सनल प्रूफ देगा। अगर वो प्रूफ पांचपन को दूर करना हुआ तो आप प्रेग्नेंट होंगे, अगर वो प्रूफ गरीबी दूर करना होगा तो गरीबी का श्राप टूटेगा, अगर वो प्रूफ चंगियाई हुआ तो आपके शरीर को बीमारियां छोड़ के जा रही। मैंने कहा आज जो भी इस आवाज के इन्फ्लुएंस के नीचे है, परमेश्वर का आत्मा आपको छुड़ा रहा है, पर्सनल प्रूफों के साथ ब्लेस कर रहा है। आमीन हो चार शिशु जी चर्च। हम एक फेक जनरेशन में रहते हैं। हालेलुया। हम 6 पॉइंट्स पे बात कर चुके हैं, आज हम 2 और पॉइंट्स पे बात करेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं अगर वो आपकी लाइफ में हो, कुछ भी घूमेगा नहीं, जो चला गया वापिस आएगा, आप कुछ भी गुमा हुआ नहीं पाओगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपने गवाया हो, अपने आप को हमेशा हाई लेवल पे आप देखोगे, शैतान के हर अटैक को मिट्टी में मिलता हुआ देखोगे। आपको पॉइंट्स बताए गए, आपने पैनिक घबराहट नहीं पैदा होने देना, आप पर्सनल प्रूफ सब चीजें आपको बताई गई। अब आपको 2 पॉइंट्स में और बताऊंगा। हम पढ़ेंगे फिलिप्पियों 1 उसकी 1 आयत को। मसीह यीशु के दास पौलुस और तिमिथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत। यानी ये पुस्तक जब पौलुस लिख रहा था, पत्री जब एक चिट्ठी लिख रहा था, तो वो किन को लिख रहा था? पवित्र लोगों को, अध्यक्षों को, सेवकों को, यानी वो सब लोग बचे हुए थे, सेव थे, उद्धार पाए हुए लोग थे। ये अन्य जाति नहीं थे, कौन थे? जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करते थे। जो 7वां पॉइंट मैं आपको आज बताऊंगा आपकी रिकवरी होने के लिए, वो ये है
कि आपको उद्धार में हर वक्त बने रहना होगा। लिख लो। अब फिलिप्पियों 2 उसकी 12 आयत को हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा, सो हे मेरे प्यारे हो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते पर विशेष करके मेरे दूर रहते भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। क्यों, कौन सा कार्य? किनको कह रहा है वो? बिशप्स को, पास्टर्स को, अन्य जातियों को नहीं कह रहा वो कि अपने उद्धार को पालो, यीशु मसीह को। वो कह रहा है विश्वासियों को, पवित्र लोगों को, बिशप्स को, पास्टर्स को, अध्यक्षों को, प्रेसिडेंट्स को, मिनिस्ट्री के। कहता है तुम अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। इसका मतलब क्या? इसका मतलब आप सेव तो हैं पर आपका उद्धार का काम अभी क्या है? अधूरा। क्योंकि आपको रोज अपनी सालवेशन को मेंटेन करना है। एक गाड़ी लेना बड़ी बात नहीं पर उस गाड़ी को मेंटेन करना बड़ी बात है। अगर मेंटेनेंस ना हो तो बड़ी बड़ी गाड़ियां भी रोड पे खड़ी हो जाती हैं अगर उनकी सर्विस टाइम पे ना हो, अगर उनको चेक ना किया जाए तो पौलुस कह रहा है पवित्र लोगों को, अध्यक्षों को, सेवकों को, कहता अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। आपको एक बड़ी अमेजिंग चीज मैं दिखाता हूं। इज़राइल के 12 गोत्र थे, हाँ या ना? उन गोत्रों की एक पिक्चर हम देखेंगे। उत्पत्ति 29 उसकी 30 आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो 12 गोत्र हैं, रुबेन, शमोन, लेवी, यहूदा, दान, नप्ताली, गाद, अशेर, इसाकार, जबलून, यूसुफ और बिन्यामीन। हाँ या ना? यही थे जो पैदा हुए थे। हाँ या ना? जब हम गिनती 1 में पढ़ते हैं तो ये 12 गोत्र रुबेन, शमोन, लेवी हट गया, क्योंकि लेवी बाइबल कहती है, लेवी गोत्र को परमेश्वर ने कहा था कि लेवी गोत्र मेरी सेवा के लिए इस्तेमाल होगा, इसलिए ये 12 गोत्रों में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि लेवी को जमीन भी नहीं मिली थी अपनी। परमेश्वर ने कहा था लेवी को सब लोग अपना टाइथ देंगे पर लेवी जो है वो मेरी सेवा में रहेगा, इसलिए 12 गोत्रों में लेवी का नाम नहीं। यहूदा, दान, नप्ताली, गाद, अशेर, इज़ाकार, जबलून, आगे योसेफ नहीं है क्योंकि लेवी हट गया और यूसुफ की जगह उसके 2 बेटे अप्रेम और मनश्शे को डाल लिया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और लास्ट में बिन्यामीन। अब मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य 7 के उस वचन को हम पढ़ेंगे, 4-8 आयत तक लिखा, जिन पर मोहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 144,000 पर मोहर दी गई, यहूदा के गोत्र में से 12,000, रुबेन के गोत्र में से 12,000, गाद के गोत्र में से 12,000, आशेर के गोत्र में से 12,000, नप्ताली के गोत्र में से 12,000, मनश्शे के गोत्र में से 12,000, शमोन में 12, लेवी के 12, इस्साकार के 12, जबलून के 12, यूसुफ के 12 और बिन्यामीन के 12। जो लास्ट 12 गोत्र फाइनल हुए थे उनमें से 2 के नाम यहां पे नहीं है प्रकाशित वाक्य में, एक एप्रेम का, एक दान का। 2 गोत्र जब प्रकाशित वाक्य की बात हुई तो 2 गोत्र उड़ा दिए गए और लेवी के गोत्र को डाल लिया गया और यूसुफ को दोबारा डाल लिया गया। न्यायों की पुस्तक उसकी 18 और उसकी 30 आयत, मैं चाहता हूं आप में से कोई पढ़ो, खड़े हो जाओ, तुम पढ़ो 30 आयत में क्या लिखा। तब दानियों ने उस खुदी हुई मूरत को खड़ा कर लिया और देश की बंधुआई के समय वह योनातान जो गोशेम का पुत्र और मूसा का पोता था, वह और उसके वंश के लोग दान गोत्र के पुरोहित बने रहे, और जब तक परमेश्वर का भवन शिलोह में बना रहा तब तक वह मिका के खुदवाई हुई मूरत को स्थापित की रहे। दान का गोत्र जिसे हम नंबर्स में पढ़ते हैं, उसने न्यायियों में जाके गलती की, लिखा तब दान के गोत्र ने खुदी हुई मूरत को खड़ा कर लिया। दोबारा से हम देखेंगे उस पिक्चर को जो 3 गोत्रों की हम देखते हैं।
अगर आप देखो नंबर्स एक में दूसरी लाइन में, तो दान का गोत्र चौथे नंबर पे है कि नहीं? हाँ, और रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 7 में दान का गोत्र गायब है। मेरे भाई, आज आपके पास बिगेस्ट टेस्टिमनी हो सकती, कैंसर से फ्री हो गया मैं, मेरे पास लाख बंदे का चर्च है, मेरे पास, मैं बड़ा अच्छा सिंगर हूं, मैं बड़ा अच्छा वर्शिपर हूं, मैं बड़ा अच्छा टेंट लगाता हूं, और हो सकता है न्याय के दिन आप नरक में हो। वो दान गोत्र जो बड़े बड़े काम कर रहा था, प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने याद नहीं किया उसे। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर बाइबल में ऐसा कहता है कि मुझे यह मालूम है कि एंड में तुम स्वर्ग में जाओगे या नरक में जाओगे। उस वो कहता, मैं शुरू से अपना अंत जानता हूं, मैं आदि से अंत जानता हूं कि कौन बंदा है जो स्वर्ग में एंटर करेगा। और प्रकाशित वाक्य ऐसी पुस्तक है जो आने वाला फ्यूचर बताती। बाइबल में हजारों प्रोफेसीज हैं, एक ही दुनिया का धर्म ग्रंथ जिसे आप बोलते हो ऐसा है, जिसमें हजारों प्रोफेसीज हैं, हजारों भविष्यवाणियां हैं, पुरानी नई, यीशु मसीह के पहले आने वाली, अब और आने वाली, और एक भी भविष्यवाणी गलत नहीं हुई आज तक। मैंने कहा एक, एक भी सिंगल कोई भविष्यवाणी गलत आज तक। बाइबल कहती है कि दान का गोत्र और एप्रेम का गोत्र, अगर आप होशे की पुस्तक 5 को पढ़ें तो वहां पे एप्रेम का जिक्र है कि एप्रेम ने परमेश्वर के साथ झगड़ा किया और वो परमेश्वर की राहों से हट गया। और अगर आप इस लाइन को दोबारा देखें तो लास्ट में एप्रेम का गोत्र गायब है, उसका भाई मनश्शे है, उसका पिता यूसुफ है और बिन्यामीन है, और अप्रेम नहीं। और प्रकाशित वाक्य यानी यीशु मसीह ने फ्यूचर बताया कि कुछ लोग जो आज आप देख रहे हो क्रिश्चियन, जब आप स्वर्ग में जाएंगे आप उन्हें मिस करेंगे क्योंकि वो वहां नहीं होंगे। आप बोलोगे ये दान का गोत्र नहीं क्या, ये तो बड़े तगड़े काम, लेकिन स्वर्ग में क्यों नहीं है? बाइबल कहती दानियों ने मूरत को खड़ा कर लिया और मूरत को स्थापित कर लिया और उसे पूजना शुरू किया। और जो नंबर्स एक यानी गिनती की पुस्तक में और उत्पत्ति की पुस्तक में जो दान का गोत्र बड़ी छाती फुला के खड़ा है, वो प्रकाशित वाक्य में नाम ही नहीं है उसका। परमेश्वर ने कहा इससे आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में, तुम इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम वहां लिखे, वहां लिखे, इससे आनंदित हो। क्योंकि जब तुम वहां जाओगे वो एंट्री होना तुम्हारी जरूरी है। और वो एंट्री कैसे रोक दी? एक मूर्ति पूजा ने। कैसे रोक दी? व्यभिचार ने, पाप ने वहां एंट्री खत्म कर दी। पौलुस कहता पवित्र लोगों को, अध्यक्षों को, बिशपों को, पास्टर्स को, विश्वासियों को, कहता अपने उद्धार का काम पूरा करो। अभी पूरा नहीं हुआ ये काम, अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी आप सालवेशन में आए हो, अभी मैं सालवेशन में आया हूं, मुझे एंड तक चलना है, आपको एंड तक चलना है। हालेलुया। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, इब्रानियों की पुस्तक 11 को जब हम पढ़ते हैं, आप देखो स्क्रीन के ऊपर 8-10 आयत, कहता विश्वास हेसी अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ना जानता था मैं किधर जाता हूं तो भी चला गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, प्राय देश में परदेशी रहकर भी इजहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने और बनाने वाला परमेश्वर है। आप जानते हैं अब्राहम ने क्यों अपनी जिंदगी में मिरेकल्स देखे? अपने 90 की बूढ़ी वाइफ को उसने बेटा होते हुए देखा। बाइबल कहती वो अमीर इंसान था, खुदा ने उसको आशीषित किया था और सब कुछ अब्राहम के पास था। और बड़े बड़े राजा जब लड़ने के लिए जाते थे तो अब्राहम से पंगा नहीं लेते थे। अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने कहा था अगर कोई तुझे श्रापित करे कि मर जा तू, डूब जा तू, वो मरेगा और वो डूब जाएगा, तू नहीं होगा। जो तुझे आशीषित करेगा मैं उसे ब्लेस करूंगा, और जो तुझे श्राप देगा मैं उसे कोस दूंगा और श्रापित कर दूंगा। ऐसा वंश था अब्राहम। पर बाइबल क्या कहती? कहती अब्राहम
फिर से उस वचन को पढ़ेंगे। कहता उस स्थिर रहने वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला ज्ञात कौन था। कौन सा नगर था वो? स्वर्गीय यरूशलम, स्वर्ग, जिसका रचने वाला और बनाने वाला कौन है? ये नगर आपने बनाए, घर आपने बनाए, लेकिन ऊपर स्वर्ग किसने बनाया? बाइबल कहती जब 90 साल की उसकी पत्नी को उसने देखा तो उसको यह विश्वास हो गया था कि अब मेरे इस पत्नी के बच्चा नहीं होगा। पर बाइबल कहती तभी भी अब्राहम परमेश्वर से हटा नहीं, उसे यकीन हो गया कि अब मेरे नहीं होगा, पर मैं क्या करूं, और कोई परमेश्वर है नहीं, मैं अपना स्वर्ग थोड़ी मिस कर दूंगा इन बच्चों के और आशीषों के चक्कर में। तो बाइबल कहती उसका ध्यान स्वर्गीय यरूशलम की ओर हो गया। कहता वो अब उस स्थिर रहने वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। यानी जब एक विश्वासी अपने उद्धार को प्रथम स्थान पर रख लेगा, अगर मेरा ध्यान उस स्वर्गीय नगर की ओर है, स्वर्ग की ओर है, तो बाइबल कहती है मैं अपने दुनिया के ट्रबल्स की परवाह नहीं करूंगा। और जब ये परमेश्वर देख लेगा कि इसी इसका ध्यान अपने सालवेशन मेंटेन करने की तरफ है, वो आपको वो सब कुछ देगा जो आपको चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात? दो बंदे यहां पे बैठे, दो तरह के, दोनों को चंगाई चाहिए। एक के लिए चंगाई इतनी जरूरी है कि वो किसी बाबे के पास भी जा सकते हैं। डॉक्टर्स के पास जाना बुरी बात नहीं, डॉक्टर के पास जाना आपकी सालवेशन खत्म नहीं करता, क्योंकि डॉक्टर्स परमेश्वर ने खड़े किए। लेकिन कोई ऐसे लोग भी जो कहते हैं, आगे बोले बहन जी आप बापा बहुत ही सियाणा, एक करी चलो मेरे ना। बहन जी उन सोच रही है बैठी, चलो चंगे होके जाना थे चर्च ही। आप समझ रहे क्या? और एक बंदा ऐसा बैठा जो बोला मैं मर जाऊंगा, लुट जाऊंगा, पर बाबे के पास नहीं जाऊंगा। आप समझ रहे? बाइबल कहती है वो दूसरा बंदा जिसका ध्यान स्वर्ग की ओर है कि मैं अपनी सालवेशन को मिस नहीं कर सकता, मैं अपने उद्धार को मिस नहीं कर सकता। हम भजन संहिता 51 पढ़ेंगे, जब उसकी एक आयत को 12 आयत को हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। क्योंकि बाइबल कहती उद्धार का एक हर्ष होता है, सेव होने का, स्वर्ग जाने का एक आनंद होता है आपके अंदर। और अगर आपके अंदर वो असली आनंद है कि आप स्वर्ग जा रहे हो, तो इस दुनिया की मुश्किलें, बीमारियां, ट्रबल्स आपको खत्म नहीं कर सकती। आप उन पे ओवरकम करोगे, पैर रखोगे, मसल के बाहर आओगे। आप समझ रहे मेरी बात को? उसने कहा मेरे अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, क्योंकि वो अपना हर्ष गंवा चुका था जब उसने बेतशेबा के साथ पाप किया था। दाऊद भी उद्धार का मतलब जानता था, अब्राहम भी जानता था कि मुझे स्वर्ग की ओर देखने। इसका मतलब अगर एक विश्वासी इस बात को समझ ले कि बड़े बड़े गोत्र प्रकाशित वाक्य में उनका नाम नहीं मिलता, तो सोच लो आपको और मुझको अपने उद्धार को कितना मेंटेन करने की जरूरत है। जिस ड्यूटी को परमेश्वर ने यहूदा को दिया, उसी ड्यूटी में शैतान ने उसको फंसा के चोरी करवानी शुरू की। पहले थोड़ी थोड़ी चोरी करता रहा, बाद में यीशु मसीह को बेच दिया। बाइबल कहती शैतान को अवसर मत दो, थोड़ा सा भी गलत देखोगे तो वो आगे पहुंचता पहुंचता आपको कहीं ना कहीं ले जाएगा। उसको पहले स्टेप पे खत्म करो। और लिखा जब तुम अपने उद्धार में बने रहोगे, तो परमेश्वर जब देखेगा कि ये उद्धार में बना हुआ, इसे और किसी चीज से मतलब नहीं, तो बाइबल कहती परमेश्वर आपको वो सब कुछ देगा जिसका वायदा किया गया। आपको चंगा भी करेगा, आपके बच्चों को महान भी करेगा, आपका सीड बाइबल कहती है महान होगा, आपका वंश महान होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी, सब कुछ आपके पास होगा। लेकिन वो धन देगा, उसके साथ दुख नहीं मिलाएगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर एक विश्वासी ठान ले कि मुझे अपने उद्धार में बने रहना, ना तो जब मैं ज्यादा खुश हूं तब पाप करना, ना ज्यादा निराश हूं तब पाप करना, मैंने नहीं करना, मैं खड़ा हूं तो भी नहीं करूंगा, गिरा हूं तो भी नहीं करूंगा, खुश हूं तो भी नहीं करूंगा, नहीं खुश तो भी नहीं करूंगा, इस बात को अपनी लाइफ में एक रूल बना के चलना। दोबारा से वो पिक्चर देखेंगे तीन गोत्रों की, पहले में रूबेन, शमोन, लेवी,
यहूदा, दान, नप्ताली, गाद, अशेर, इसाकार, जबलून, यूसुफ, बिन्यामीन। और जब लास्ट रेवलेशन 7 में देखते हैं तो दान गायब है और एप्रेम गायब है, ही नहीं, नाम ही नहीं, नाम ही नहीं है वहां पे। कौन दान? परमेश्वर कहता मैं तो जानता ही नहीं हूं। हम कहेंगे नहीं नहीं प्रभु, तेरे 12 गोत्रों में से एक था, परमेश्वर मैं नहीं जानता इसको। कौन दान? प्रभु जिसके लिए प्रोफेसी हुई थी दान के लिए, कि दान एक सांप की तरह होगा, एक शानदार होगा, वो न्याय करेगा, परमेश्वर कहता मैं जानता नहीं हूं। कौन दान? आप हैरान होंगे जब स्वर्ग में जाएंगे, बड़े पॉपुलर फेस वहां नरक में दिखेंगे, आप बोलेंगे क्या हो रहा है ये, मैं बच गया। हाँ, आज लोगों को कोई गुरेज नहीं है, वो फेक प्रोफेसी कर सकते हैं, फेक हीलिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं पब्लिक के लिए, और ठोकर मार दो उस पैसे को, उस पब्लिक को जो आपको नरक में लेके जाए, क्योंकि ये लाइफ इतनी सी है, किसी की 70 की, किसी की 80, किसी की 90, किसी की 120 की, वो हजारों करोड़ों सालों की, उसकी ओर देखो। अगर आप उसकी ओर देखेंगे, आप धरती पे भी नंबर वन रहेंगे, आपकी ब्लेसिंग्स नंबर वन होंगी, क्योंकि आपका ध्यान ब्लेसिंग्स की ओर नहीं, आपका ध्यान चंगाई की ओर, आपका ध्यान अपने सालवेशन, अपनी मुक्ति की ओर है। और बाइबल कहती जब आप स्पिरिचुअली सेव्ड होते तो परमेश्वर आपकी बॉडी को भी उद्धार देता है, आपके फाइनेंस को भी उद्धार देता है। अब उसे मालूम है इसका ध्यान तो उद्धार की तरफ है और ये स्वर्ग की ओर देख रहा है, तो क्यों इस धरती की आशीषें परमेश्वर आपसे छुपाएगा? वो नहीं छुपाएगा। पौलुस कहता बिशप्स को, पास्टर्स को, पवित्र लोगों को, पवित्र आत्मा पाए हुए विश्वासियों को, कहता अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ, इसे पूरा करो कहता। जब मैराथन दौड़ दौड़ी जाती है ना, जब पता है कि जलंधर से लेकर लुधियाना तक दौड़ना है, तो तेज नहीं दौड़ा जाता, आराम से दौड़ा जाता, उसे मालूम है एंड में स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो तेज दौड़ना बड़ी बात नहीं, आज चर्च में आ रहे, गैर भाषा बोल रहे, बड़े बड़े काम हो रहे, ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, आपकी लाइफ में जो हो रहा है मुझे मालूम है परमेश्वर कर रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है आप उसको मेंटेन करके उस जगह खड़े रहे, यह बहुत बड़ी बात। फास्टिंग करते रहे, प्रेयर करते रहे, पवित्रता पे खड़े रहे, यह बड़ी बात। तो जो 7वां पॉइंट आपकी लाइफ में होना चाहिए वो ये है कि आपको अपने उद्धार में बने रहना पड़ेगा। एक बार उद्धार हो गया, बपतिस्मा ले लिया, आगे क्या? अगर आगे आपने उद्धार का काम पूरा नहीं किया, कोई शराब में फंस गया, कोई रिश्तेदारी के चक्कर में फंस गया, कोई बॉस के चक्कर में फंस गया, कोई बॉयफ्रेंड, कोई गर्लफ्रेंड के चक्कर में फंस गया, आपका उद्धार अनकंप्लीट रह गया। हालेलुया। लिखा आपने अपने उद्धार का काम पूरा करो, आपको पूरा करना है उद्धार का काम। अगर बपतिस्मा नहीं लिया तो लेना है, उद्धार नहीं पाया तो पाना है, अगर पा लिया तो उसमें बने रहने, उसमें खड़े रहने, उसमें आगे बढ़ने। हालेलुया। फिर आप देखोगे परमेश्वर कैसे दो हाथ करके आपको मिलेगा, अपनी छाया से आपको रखेगा, वो आपके आगे आगे चलेगा, आपको विश्राम देगा। बाइबल कहती है, हाँ या ना? आप विश्वास करते हो? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखा है, जब तक ध्यान संसार में और आशीषों में, आपको ट्रबल रहेगा, दिल व्याकुल रहेगा, और जब ध्यान यीशु मसीह की ओर हो जाएगा और स्वर्ग की ओर हो जाएगा, वो सब चीजें आपको फॉलो करेंगी, क्योंकि वो आपको फॉलो करने के लिए बनाई गई। जब तक आप उन्हें फॉलो करोगे वो आपके आगे आगे भागेंगे, जब आप यीशु मसीह को फॉलो करोगे वो आपके पीछे भागेंगे। हालेलुया। 4 घंटे तैयार होके, हाँ, ये सोच के कि आज मैं सारे काम कर, आज मेरा हस्बैंड मुझे बुला ले बस, और प्रार्थना नहीं करनी, वही अगर 2 घंटे प्रेयर में लगाए हो और सिर्फ 1/2 घंटा फिर तैयारी में लगाया हो, तो आप फर्क देखना। यीशु मसीह पहले स्थान पे नहीं है, इसीलिए आप दुनिया की आशीषों, सुखों, रिलेशनशिप्स के लिए भीख मांगते फिर रहे। कोई आपको अगर गवा दे ये उसका नुकसान है, आपका नहीं, क्योंकि आप कीमती हैं, आपको मालूम है आप कौन है। हालेलुया। पहला पॉइंट लिखो, उद्धार में बने रहना।
आज का पहला पॉइंट क्या, उद्धार में बने रहना होगा, और ये टोटल आपका सातवां पॉइंट है। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो उद्धार में बने रहना होगा। फिर से बोलो, उद्धार में बने रहना होगा, बचे रहना होगा। क्योंकि पौलुस कहता है, वचन कहता है, अपने उद्धार का काम पूरा करो। अन्य जातियों को नहीं, वो विश्वासियों को कहते हैं कि उद्धार में बने रहो और उसके काम को पूरा करो। हालेलुया। क्योंकि जिस जनरेशन में आप रहते हो, ये कौन सी जनरेशन है? फेक जनरेशन, जो पल में रो रही है और अगले पल में मजाक और ठट्ठा चल पड़ा और ही हा हा हू हू चल रहे हैं। और यीशु मसीह को कोई फर्क नहीं, यीशु मसीह जानते हैं चमत्कार को नमस्कार है, कोई गुस्सा नहीं किया यीशु मसीह ने। हालेलुया। ऐसे लोग हैं जो 2000 जब 9 में इस चर्च से जुड़े थे, और जब मैं उनको बोलता था यहां लाखों लोग होंगे, बोलते हाँ ठीक है, उनको मजाक लगता था। पर आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोगों का किया हुआ मजाक परमेश्वर रियलिटी में बदल देगा आपको, आप देखना। अगर आपके घर के बारे में मजाक किया गया, आप उनसे बेटर लोगे, आप देखना, आप देख लेना। पर बात यह है कि क्या आप उस टाइप से खड़े हो जिस तरह परमेश्वर चाहता है। एक वचन हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक से, यह वचन तब का है जब बाइबल कहती है याकूब, परमेश्वर उसको दर्शन देता है और स्वर्गदूत ऊपर से नीचे जाते दिखते हैं उसको, जब वो अपने भाई से भागकर अपनी मौत से भागा जाता था। उसमें लिखा, और ये पत्थर जिसका खंभा मैंने खड़ा किया है, ये वो पत्थर था जो याकूब अपने सिर के नीचे रख के सरहाना बना के सो रहा था, और उसने दर्शन देखा स्वर्गदूत ऊपर आ रहे नीचे जा रहे रात को, और जब वो सुबह उठा उसने वो पत्थर को एक पिलर बना के खड़ा कर दिया एक निशानी के तौर पे कि मैं इसका भवन बनाऊंगा बाद में। और उसके वचन को हम पढ़ेंगे, और जो कुछ तुम मुझे देगा उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। आप जानते हैं बहुत से विश्वासी कहां गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि जब हम टाइथ देंगे तो हमारा बिजनेस ब्लेस हो जाएगा, जबकि यह पूरी सच्चाई नहीं, यह पूरी सच्चाई नहीं, यह आधी सच्चाई। और जब तक आधी सच्चाई आपके पास हो, उसमें और झूठ में ज्यादा फर्क नहीं। बाइबल कहती ये तब का टाइम है जब वचन नहीं दिया गया था कि तुम टाइथ दो, वचन दिया गया मूसा के बाद, और ये तब था जब मूसा भी जन्म नहीं लिया था। ये तो अब्राहम इज़हाक याकूब के जमाने की बातें हैं। आप जानते हैं जो विश्वासी सेंटिफाइड नहीं है, जो विश्वासी क्लीन नहीं, साफ नहीं और परमेश्वर के साथ जुड़े हुए नहीं, उनका टाइथ काम नहीं आने वाला। आप जानते हैं इस बात को, बाइबल कहती है टाइथ देने से पहले आपकी लाइफ को पवित्रताई में होना बहुत जरूरी। इस सेवकाई का टाइथ, मेरी लाइफ का टाइथ, टाइथ से भी ज्यादा तब काम आ रहा है जब हमारी लाइफ परमेश्वर के वचन पे खड़ी है। परमेश्वर ने कहा जो टाइदर्स हैं, ये वो लोग नहीं है जो बिजनेसमैन पीपल हैं कि चर्च में आ गए, अच्छा ये तो बिजनेस है बड़ा अच्छा कि प्रभु को दो 10 गुना 100 गुना वापस मिल जाएगा, ये तो हमारी स्कीम से भी बड़ा तगड़ा है, ये तो सुपर LIC है। हाँ, परमेश्वर ने कहा टाइदर्स वो लोग थे, टाइथ देने वाले वो लोग थे जो एक वाचा के नीचे, सुनो, चंगा करने का एक प्रॉमिस है, प्रभु कहता ये प्रॉमिस है, मेरा वायदा है कि मेरे कोड़े खाने से तू चंगा होगे। हाँ, मैं धर्मी का वंश बचाऊंगा, ये वायदा है, वादा जैसे प्रॉमिस किया प्रभु ने, मैं प्रॉमिस करता हूं तेरा वंश बचाया जाए। एक भी वायदा बाइबल में नहीं है मैं तुझे अमीर करूंगा, एक भी। पता है क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये अमीरी और आशीषित होना ये आप लोगों पर निर्भर करता है, परमेश्वर का वायदा नहीं। पता है क्यों? परमेश्वर ने कहा धर्मी के घर में धन रहेगा, लिखा यहोवा जिसको धन देगा उसके साथ दुख नहीं मिलाएगा। अब्राहम
जिसकी परमेश्वर बात कर रहा कि ये मेरा दोस्त है, अपने जमाने का सबसे आशीषित व्यक्ति था। अय्यूब, जिसके बारे में स्वर्ग घमंड करता था, इसके जैसा खरा रहने वाला मनुष्य नहीं था, अपने देश का सबसे अमीर व्यक्ति था। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बाइबल कहती है लाजर जब मर गया और किसकी गोद में पहुंचाया गया? अब्राहम की, जो एक आशीषित व्यक्ति था। लाजर एक गरीब व्यक्ति था। दोनों स्वर्ग में गए, धरती पे एक अमीरी देख के एक गरीबी देख के। और बाइबल कहती अब्राहम टाइदर था और लाजरस टाइदर नहीं था, दशमान देने वाला नहीं था। तो पैसा एक श्राप नहीं, अमीर होना एक नॉन बिब्लिकल चीज नहीं, पर नॉन बिब्लिकल ये है कि अपनी उस अमीरी से परमेश्वर के लिए कुछ ना करना। बाइबल कहती लाजर जब अमीर बंदे की द्योड़ी पे था तो उसके जूठन से अपना पेट भरता था, और किसकी गोद में पहुंचाया गया? अब्राहम की, जो अपने टाइम का सबसे आशीषित व्यक्ति था। तो अमीर भी वहां है, गरीब भी वहां है। अमीरी और गरीबी स्वर्ग जाने से तो नहीं रोक सकती आपको, पर इस धरती पे आप कैसे फंक्शन करेंगे और कैसे अपने परिवार को, अपने आप को चलाएंगे, ये इस बात पे निर्भर करता है। बाइबल कहती याकूब ने कहा ये कवनेंट है, ये एक वाचा है, जैसे एक वाचा प्रभु के साथ बांधनी कि जो कुछ तू मुझे देगा उसका टाइथ मैं तुझे वापिस करूं। एक वाचा, और ये वाचा पूरी तब होती जब आप टाइथ देते और अपनी लाइफ को क्लीन करते। ये नहीं इधर टाइथ दिया उधर ब्लू फिल्म लगी, इधर टाइथ दिया उधर चार गर्लफ्रेंड वेट कर रही, वो टाइथ किसी काम का नहीं। क्योंकि टाइथ तब काम आता है जब आपकी लाइफ सेंक्टिफाइड होती है, जब आपकी लाइफ क्लीन होती है। और जब आपकी लाइफ साफ होती, आप जब फिर वाचा बांधते हो, परमेश्वर उस वाचा को सीरियसली लेता है और आपकी लाइफ में ऐसे आइडियाज, ऐसे हेल्पर्स, ऐसी चीजें आपको देता है कि आपका फाइनेंशियल लेवल कभी सेम नहीं रहेगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? बाइबल कहती यीशु मसीह के पास कुछ अमीर औरतें रहती थी जो अपनी संपत्ति से, अपनी प्रॉपर्टी से यीशु मसीह की सेवा करती थी। बाइबल ऐसा बताती है, अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ें, फिर से इस वचन को पढ़ेंगे, लिखा जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं तुझे अवश्य ही दिया। और यीशु मसीह ने कहा, कहता अच्छा है तुम लोग दशमांश देते हो, पर न्याय, दया और विश्वास को छोड़ो मत। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर हमने टाइथ देना है और लाइफ सेंक्टिफाइड नहीं है, लाइफ क्लीन नहीं है, तो उसका फायदा नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर का ये वायदा, ये वाचा कि मैं तुझे आशीष इतनी दूंगा, रखने की जगह नहीं होगी, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरह से प्रभु के आगे समर्पित कर दिया। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? मान लो आप शराब बेच के आप टाइथ दे रहे हो, वो किसी काम का नहीं। वैश्यागुणा करके टाइथ दे रहे हो, किसी काम का नहीं। वो टाइथ परमेश्वर देखेगा पहले या आपकी लाइफ देखेगा? आपकी लाइफ देखेगा। उसने पैसों के लिए कुर्बानी नहीं दी है, आपको बचाने के लिए दी है। आप, मैं, हम बोते हैं ताकि हम कर्ज से, गरीबी के श्राप से, अपनी लिमिटेशन से आजाद हों और हम अगले लेवल पे जाएं। आप समझ रहे मेरी बात? याकूब ने मालूम क्यों कहा कि मैं तुझे टाइट दूंगा? क्योंकि वो अपने पिता को, अपने दादा को ये करता हुआ देखता था और उसे मालूम था मेरा बाप, मेरा दादा ग्रेटेस्ट मैन ऑफ गॉड है। वो राजाओं से ज्यादा अमीर है, राजाओं से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था, क्योंकि वो वाचा बांधी थी उन्होंने। आप जानते हैं सालवेशन एक पर्सनल चीज है, उद्धार एक पर्सनल चीज है। आप जितनी प्रार्थना करते हो कि आपका पति उतनी नहीं करता, हाँ या ना? आप जितना मुझे समझाई जाओ वो टाइम पे ही समझता है, हाँ या ना? अब दादा टाइट देते हैं अलग बात है, क्योंकि दादा को रेवलेशन है। बाप टाइट देता है अलग चीज है। अब बेटे को रेवलेशन नहीं है, अभी घूमने फिरने में बस इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जब उसको पड़ी ऊपर, जब जिम्मेवारी आई, तो उसे मालूम था अब मुझे वाचा बांधनी पड़ेगी। अगर मुझे इस गरीबी से, इस प्रॉब्लम से, इन दुखों से अगर आजाद होना है तो मुझे प्रभु चाहिए अब। हालेलुया।
और उसने कहा जो कुछ तू मुझे देगा मैं उसका टाइट दूंगा। वाचा, ये प्रॉमिस नहीं है परमेश्वर का आपको अमीर करना, ये वाचा पे निर्भर करता है कि आपने प्रभु के साथ वाचा बांधी है टाइट की या नहीं बांधी। उधार में बने रहना और टाइट क्लीननेस के साथ देना ये जरूरी है। बिना सेंटिफाइड, बिना क्लीन हुए, बिना पवित्रता के वो टाइट बोया काम का नहीं। हम बिजनेस करने चर्च में नहीं आए, हालेलुया। हम अपनी लाइफ खुदावंद को देना चाहते हैं। हम एक वाचा के साथ एक स्वर्ग की ओर देखते हुए इस संसार के लिमिटेशन से फ्री होते हुए, और प्रूफ चाहिए हमें परमेश्वर के, हाथ चाहिए खुदावंद का। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जिस दिन आप टाइथ शुरू करेंगे, जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में एंटर करेंगी, आपके 90% विरोधी उस दिन चुप हो जाएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं। याकूब ने कहा मेरे पास आओ, मेरी भेड़ बकरियों के पास। जब लोग आपका प्रूफ देखेंगे मान जाएंगे। आपका काम आगे हो पीछे हो, इस चर्च का काम आगे जाए, तेज हो जाए, थोड़ा कम हो जाए, टाइट देना छोड़ना नहीं। अगर हम खाते जाए, अगर एक हाथी खाता जाए, गाय खाती जाए और गोबर ना करे, क्या होगा उसका? एक दिन फट जाएगा वो। ब्लेसिंग खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, पास्टर्स भी चर्च आता जा रहा है, आता जा रहा है, दे नहीं रहे, क्या होगा एक दिन? करेंसी का मतलब है मूवमेंट। करेंसी मूव होनी चाहिए। जिस दिन करेंसी रुक गई खत्म हो जाएगी। और पैसा एक ऐसा जन है जो बाहर जाके बताता है कि इस बंदे के पास मत जाना, ये अपने, ये तुमको पकड़ लेगा। हालेलुया। इधर से पैसा आया और इधर को कैसे बोने कुछ भी ना रखे हुए, ये मैं जानता हूं हम कैसे करते हैं। और इसीलिए कभी फ्लो नहीं रुका। किसी बैंक ने हमसे पैसा नहीं लेना है और प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लोग पूछ रहे कैसे? टाइथ से। हालेलुया। पैसों से नहीं, किससे चल रहा है? टाइथ से, ग्रेस से चल रहा है। हर मीटिंग जब मैं एंटर करता हूं, इतनी बड़ी बिल्डिंग ऑफिस को देख के मैं अपने आप से ये कहता हूं मैंने कैसे बनाया। मैं खुद क्वेश्चन करता हूं, मैं क्या कैसे हो गया? वाचा से। पैसे वाले फेल है मिनिस्ट्री में, मैं सच कह रहा हूं। मिनिस्ट्रीज के पास लाखों करोड़ों रुपए है, रूहें नहीं बचती, फेल है वो। आपको प्रभु के साथ जुड़ना पड़ेगा वाचा में और आप ब्लेस्ड होंगे। आमीन ऊंचा आशीषों ची चर्च। अगर ये दो चीजें आप ऐड कर लो, आठ हो गई, इनको पढ़ो दोबारा से और अपनी लाइफ को इन पे मेंटेन करो, आप शैतान के लिए सिरदर्द बन जाओगे। मैं सच कह रहा हूं, मैं आपको, आप इतने स्ट्रांग होंगे पिलर की तरह, आपको मालूम होगा मेरा टाइम आ चुका है, आपके टेस्टिमनी का टाइम आ चुका है, मैंने कहा अपलिफ्टिंग का टाइम आ चुका है। आमीन ऊंचा आशीषों ची चर्च। हालेलुया। जिस जनरेशन में आप रहते हो वो कौन सी है? फेक जनरेशन। यीशु मसीह को मालूम है फेक जनरेशन है। साबित करना होगा, प्रूफ देने होंगे आपको, और प्रूफ मिलेंगे पर्सनल संबंध जब प्रभु के साथ होंगे, खड़े रहेंगे, स्वर्ग की ओर देखते रहेंगे, उद्धार में बने रहेंगे, वाचा में रहेंगे टाइट की, वो आपको प्रूफ देगा। मैंने कहा वो आपको प्रूफ देगा। हालेलुया। ये एक अंदरूनी चीज है, ये एक आत्मिक चीज है, शारीरिक नहीं। कुछ भी शरीर में करोगे, चाहे वो टाइट हो, वो कुछ भी हो, उसका कोई असर नहीं आपकी लाइफ के ऊपर। अपने हाथों को उठा, बोलो थैंक यू जीसस, मैं वाचा बांधता हूं, उद्धार में बना रहता हूं और पर्सनल प्रूफ को मांगता हूं। अपने हाथों को उठाते हुए कि
हिला हिला अपने हाथों को। हिलाओ हाथों को। थैंक यू जीसस। वायदा करो अपने आप को क्लीन करने का, साफ करने का। मांगो परमेश्वर मुझे क्लीन कर, साफ कर, सेंटिफाई कर, पवित्र कर। मैं वाचा के नीचे आऊं, उद्धार में बना रहूं। कोई चीज मुझे तेरे उद्धार से दूर ना कर सके। कोई दुख, कोई कलेश, कोई झंझट, कोई गरीबी तेरे उद्धार से मुझे दूर ना कर सके। मांगो अपने हाथों को हिला के, पाप की ताकत को तोड़, उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। मैं अपने उद्धार में बना रहूं, इसको गवाऊं ना। हर एक कमी को दूर कर, पाप को दूर कर, हर एक गुप्त पाप को दूर कर, डिठाई के पाप को दूर कर, हर एक शरीर के काम को दूर कर, मुझ पे दया कर। तेरा आत्मा मुझे छुए, तेरा आत्मा मुझे टच करे, मुझे फ्री करे हर गुप्त पाप से, सीक्रेट पाप से, डिठाई के पाप से। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आप जानते हैं आपका प्रेयर पॉइंट क्या होता है? आपका प्रेयर पॉइंट ये नहीं है जो आपको चाहिए। आपका प्रेयर पॉइंट आपकी लाइफ की सबसे बड़ी कमजोरी है, वो आपका प्रेयर पॉइंट है। हाँ या ना? आप जानते हैं डेविड एक ग्रेट बंदा था, दाऊद एक ग्रेटेस्ट मैन था परमेश्वर का, हाँ या ना? पर उसकी लाइफ में कमी थी, एक वो कमी थी औरत। आप उसकी लाइफ चेक करो। गोलियत को मार के कहता, मेरा इनाम कहां है? इनाम क्या था मालूम? राजे की बेटी। बैतशेबा के साथ फंसा, हाँ या ना? और मरने वक्त भी उसको एक लड़की दी गई थी कि नहीं दी गई? पर बाइबल कहती है उसने गलत काम नहीं किया, क्योंकि सीख चुका था वो। लोगों को मालूम था कि हमारे राजे को लड़कियां पसंद है, पर राजा सुधर चुका था, वो बात अलग है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको आपका वीक पॉइंट मालूम है और वो आपका प्रेयर पॉइंट है। शैतान को भी मालूम है, उसे मालूम है ये बंदा पैसों से नहीं फंस सकता, ये बंदा ना लड़की से ना पैसों से, ये बंदा डर से फंस सकता है, इसको डराओ। ये बीमारी से फंस सकता है, ये गरीबी से फंस सकता है। अपनी कमजोरी ढूंढो, प्रेयर में उसको मार दो, उसको खत्म कर दो, उसको फिनिश कर दो। आप बचे रहोगे, क्योंकि स्वर्ग में हमने एक दूसरे को देखना है। मैंने कहा स्वर्ग में हमने एक दूसरे को देखने हैं। मजा तो तब है जब इतनी लोग जिनको हम वचन दे रहे हैं और बैप्टिज्म दे रहे हैं, इतने स्वर्ग में हो और वहां पे हम एक दूसरे को देखें। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? आपका प्रेयर पॉइंट आपके बेटे का जो वीजा नहीं लग रहा वो नहीं है। आपका प्रेयर पॉइंट जो आपके बेटे के अंदर कमी है वो है, और जब वो दूर होगी बाकी चीजें आ जाएंगी। 9 बार वो प्रार्थना करो जो कमी है, 1 बार जो चाहिए वो मांगो, दैट्स इट। आप स्ट्रांग होंगे, वेरी स्ट्रांग, वेरी वेरी स्ट्रांग। उठाओ हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए, अपनी कमियों को डांटो और निकालो, याद करो उन्हें, खत्म करो उन्हें। ग्रेस मांगो, मर्सी मांगो, दया मांगो, कृपा मांगो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं।